हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेक्टेंगल कॉलम का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन अ शॉर्ट रेक्टेंगल कॉलम विथ वन डायमेंशन रिस्ट्रिक्टेड टू 350 मिलीमीटर। मतलब कॉलम का एक डायमेंशन उससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया 350 मिलीमीटर पर। फॉर एन एक्सियल लोड, आपको एक एक्सियल लोड दिया है 700 किलो न्यूटन का। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर। यूज M20 कॉन्क्रीट बोला है एंड Fe 415 का स्टील बोला है। ठीक है, सो रेक्टेंगल कॉलम आपका डिजाइन करना है। कॉलम का एक डायमेंशन 350 पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मान लो वो विड्थ है आपका, वो कॉलम का विड्थ है, वो दिया है 350 mm। फिर आपको बोला है एक्सियल लोड, P को बोलते हैं एक्सियल लोड, 700 किलो न्यूटन। जब तक के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वो फैक्टर्ड या डिजाइन या अल्टीमेट लोड है, वहां पर लिखा हुआ नहीं है, तो वो सिंपल एक्सियल लोड है जिसको हम बोलते हैं सेफ या फिर सर्विस लोड। पी को बोलते हैं सेफ या फिर सर्विस लोड। इसको आपको फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। तो आप 700 को 1.5 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1050 किलो न्यूटन। दैट विल बी 1050 किलो न्यूटन। लेंथ आपको दिया 3 मीटर का, M20 कॉन्क्रीट है और Fe 415 का स्टील है। सबसे पहला स्टेप है साइज ऑफ कॉलम आप वर्कआउट करेंगे। सो इसमें आप अज्यूम करेंगे कि आपके पास 1% स्टील है, यू हैव 1% स्टील एंड आपके पास लेट अस से 99% क्या है, कॉन्क्रीट है। 99% क्या है, कॉन्क्रीट है। तो स्टील अगर 1% है तो ASC क्या होता है, 1% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो ASC विल बी 0.01 ए ग्रॉस। सो ASC इक्वल टू 0.01 ए ग्रॉस मिल गया। सी 1% का मतलब होता है 1/100। दिस इज 1/100, मतलब 0.01 टाइम्स ग्रॉस एरिया या देगा ASC। और एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्या है, AC, वो है 99%, मतलब 99/100 ऑफ एरिया ग्रॉस। कभी भी याद रखना, अगर हम बोलेंगे 1% स्टील तो 1% होता है ग्रॉस एरिया का, मतलब टोटल एरिया का 1%। तो AC बन जाएगा 0.99 टाइम्स ग्रॉस एरिया। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन है PU का। PU क्या था, 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। इसका क्लॉज नंबर आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो एग्जाम में क्लॉज नंबर लिखना बहुत कंपलसरी होता है। PU कितना है, PU है 1050, वो है किलो न्यूटन में। तो उसको आप कन्वर्ट कर लो 10^3 न्यूटन में। दिस इज 10^3। 0.4 FCK कितना है, वो है 20। कॉन्क्रीट का एरिया 0.99 ग्रॉस एरिया प्लस 0.67 FY है आपका 415 का। और ASC कितना है, वो है 0.01 टाइम्स ग्रॉस एरिया। अगर आपको इसका क्लॉज नंबर नहीं पता तो आप एक बार पेज नंबर 71 रेफर करना कोड का, जहां पे आपको इक्वेशन दिया रहेगा ना, वहां पर क्लॉज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्लॉज नंबर वहां से कॉपी कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन से आपको ग्रॉस एरिया निकालना। सो 1050 इंटू 10^3 करना इक्वल टू क्या लिखा है, 0.4 इंटू 20 इंटू 0.99 ग्रॉस एरिया, उसको मैं एक्स पकड़ता हूँ कैलसी में, प्लस 0.67 FY 0.01 इंटू ए ग्रॉस। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा ए ग्रॉस कितना मिलता है, द ए ग्रॉस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, चेक करेंगे आप लोग। सो द ग्रॉस एरिया इज कमिंग आउट टू बी 9812 6.25 mm square। यह आता है मेरा ग्रॉस एरिया।
कॉलम का ग्रॉस एरिया, अभी कॉलम है रेक्टेंगल कॉलम, तो रेक्टेंगल का साइज बनता है बी बाई डी का, इट इज द साइज बी बाई डी, तो ग्रॉस एरिया इज बी इंटू डी, तो दिस इज 98126.25। अब कॉलम का एक साइड उसने रिस्ट्रिक्ट किया था 350 मिलीमीटर पे, तो मान लो वो है छोटा वाला 350 बी दे दिया, और इसको कैपिटल डी बोलता हूँ, तो कैपिटल डी कितना था 98126.35 बाय 350। यहाँ से आप लोग डी निकाल लेंगे, दिस इज 98126.35 डिवाइडेड बाय 350 करेंगे, तो डी आता है 280.361 मिलीमीटर। सो कॉलम का डेप्थ कितना आ रहा है, वो आ रहा है 280.361 मिलीमीटर। अब आपका डेप्थ मिल गया, अब इस डेप्थ को आपको राउंड अप करना है। अब इस डेप्थ को अगर आप राउंड अप करते हो 300 मिलीमीटर पे लेटस से, तो 300 मिलीमीटर पे अगर आप चेक करोगे एसेंट्रिसिटी का, तो आपका एसेंट्रिसिटी का फेल हो सकता है कॉलम। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम बचाने के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको डेप्थ को ऑलरेडी हाइयर साइड पर राउंड अप कर लेते हैं, से डेप्थ इक्वल टू 450 mm, डेप्थ विल बी इक्वल टू 450 मिलीमीटर, ये हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सो डेप्थ इक्वल टू 450 आ जाएगा, ये हमने राउंड अप कर लिया इसको। तो अब हम चेक करेंगे कि आपका डेप्थ 450 करेक्ट है कि नहीं, वो आपको चेक करने के लिए आपको एसेंट्रिसिटी का चेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपका डेप्थ कम आ रहा है तो आप उसको हाइयर साइड पे पहले ही राउंड अप कर लो, ताकि एसेंट्रिसिटी का चेक फेल ना हो। अब आ जाओ इस पे, चेक फॉर एसेंट्रिसिटी पे। तो यहाँ पर मेरा कॉलम का साइज कितना बन रहा है, वो बनता है 350 by 450 mm का, द कॉलम साइज इज 350 by 450 mm। ऑलराइट, सो दिस इज 350 into 450 मिलीमीटर। अब करेंगे चेक फॉर एसेंट्रिसिटी, तो ई मिनिमम का चेक इसके लिए आपको क्लॉज नंबर 25.4 रेफर करना है, वी हैव टू रेफर क्लॉज नंबर 25.4। ऑलराइट, फॉर्मूला कहता है एल बाय 500 प्लस रेक्टेंगल कॉलम, में याद रखना कि इसमें आपका जो बड़ा डायमेंशन है उस पर आपको उसको चेक करना है, तो d बाय 30, l बाय 500 प्लस d बाय 30 करेंगे, तो l कितना आपका, l है 3000 बाय 500, d आपने कितना लिया 450 लिया, अपॉन 30 कर दो उसको, तो e मिनिमम कितना था आपका, तो द e मिनिमम इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 3000 डिवाइड बाय 500 प्लस 450 by 30, दिस इज 21 मिलीमीटर। और सेकेंड क्लॉज क्या था, सेकेंड क्लॉज था 20 mm, सेकेंड क्लॉज क्या था 20 था, आप चूज करेंगे दोनों में से मैक्सिमम, चूज मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्या बनता है, वो बनता है 21 mm, दैट इज 21 mm। अब इसको आप चेक करेंगे, इसका चेक क्या था, चेक था 0.05 टाइम्स लैटरल डायमेंशन, आपको लैटरल डायमेंशन चूज करना है डेप्थ को, तो डेप्थ कितना आपका, डेप्थ है 450 का, याद आएगा 22.5 मिलीमीटर, दिस विल बी 22.5 मिलीमीटर। आपने मिनिमम एसेंट्रिसिटी का चेक बड़े डायमेंशन पे ही करना है, से डी पे किया मैंने, एंड उसको चेक किया 0.05 डी पे, तो यार 22.5, तो ई मिनिमम की वैल्यू इससे छोटी आ रही है 0.05 डी से, सो इट इज क्वाइट सेफ, इट इज सेफ, सेफ बोलो या फिर हम जो फॉर्मूला यूज की है पीयू का, हमने ये फॉर्मूला इसीलिए यूज किया है क्योंकि हमने पकड़ा है इसको शॉर्ट कॉलम, तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी का चेक अगर सेफ आता है ना, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो कॉलम का साइज निकालने के लिए। ठीक है,
तो हम लोगों ने पीयू से कॉलम का साइज निकाला, कॉलम का साइज है बी बाई डी का 350 x 450 mm, एंड मिनिमम एसेंट्रिसिटी का चेक सेफ आ रहा है, इसका मतलब सब करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 3 पे, डिजाइन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। आपने स्टील 1% अज्यूम किया था, मतलब 0.01 ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया आपकी जो ग्रॉस एरिया है वो है बी इंटू डी, सो 0.01 बी कितना है 350 x 450, सो 0.01 x 350 x 450 ये आता है 1575 मिलीमीटर स्क्वायर। अज्यूम कर लो नंबर ऑफ बार्स 8, मैं हर बार 8 बार अज्यूम कर लेता हूं और वहां से डायमीटर निकाल लेता हूं, एन इंटू पाई बाय 4 फाइ का स्क्वायर। ए एस सी कितना है वो है 1575, एन है 8, पाई बाय 4 फाइ का स्क्वायर। यहां से आप फाइ निकाल लेंगे, सो 1575 अपॉन 2 पाई कर लेता हूं मैं डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ आंसर। सो मेरा डायमीटर आता है 15.68 मिलीमीटर, मैं उसको राउंड अप कर दूंगा 16 मिलीमीटर पे, ठीक है। तो मेरे लॉन्गिट्यूडनल बार का रीइंफोर्समेंट क्या रहा है, वो आ रहा है 16 mm डायमीटर और 8 नंबर्स आ रहे हैं। तो यहां लिख लो प्रोवाइड 8 बार्स ऑफ 16 mm डाया लॉन्गिट्यूडनली, ऑफ 16 mm डाया लॉन्गिट्यूडनली, तो दीज आर 8 बार्स ऑफ 16 mm डाया। ऑलराइट, आपका लास्ट स्टेप देखते हैं अभी डिजाइन ऑफ लिंक्स का। इसमें सबसे पहले आप डायमीटर ऑफ लिंक्स निकाल लेंगे, विल फाइंड डायमीटर ऑफ लिंक्स। सो लिंक्स का डायमीटर मैंने आपको दिखा था, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको इसके क्लॉज नंबर भी लिखवाए थे कि ये कौन से पेज पे दिया हुआ है। आपको एग्जाम में क्लॉज नंबर मेंशन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ऑलराइट, सो लिंक का डायमीटर क्या होता है, 1/4 ऑफ द, इट इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्जिट्यूडनल बार, लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, अपना बार है 16 का, तो 1/4 ऑफ 16 कर दो, ये आ जाएगा 4 mm। और दूसरा क्या था, दूसरा था 6 मिलीमीटर, आप चूज करेंगे मैक्सिमम वैल्यू। सो लिंक का डायमीटर कितना रहा है, वो आता है 6 मिलीमीटर, इट इज 6 mm। ऑलराइट, अब आप नेक्स्ट स्टेप में पिच निकालेंगे, पिच ऑफ द लिंक्स निकालेंगे, जिसका सबसे पहला क्लॉज था लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, लीस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम वो है आपका विड्थ जो कि है 350 मिलीमीटर, दूसरा है 16 टाइम्स स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार, 15 टाइम्स स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार। आपका लॉन्गिट्यूडिनल बार एक ही साइज का है वो है 16 का, तो ये बन जाएगा 256 mm। और तीसरा क्लॉज है 300 mm का, थर्ड इज 300 mm। आपको इन तीनों में से चूज करना है मिनिमम वैल्यू, यू हैव टू चूज मिनिमम वैल्यू। तो आपका पिच क्या ले लेंगे, आप पिच ले लेंगे 256 mm, एंड इसको राउंड अप करना लोअर साइड पे, सो पिच पकड़ लो 250 मिलीमीटर, पिच इज 250 मिलीमीटर। तो इस तरीके से मैंने पिच निकाल लिया। पिच आपके पास तीन क्लॉजेस कोड में दिए हुए हैं, ठीक है। सो
आखिरी में इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज माय रीइंफोर्समेंट डिटेल, 350 का विड्थ है, कॉलम का साइज कितना है, दिस इज 350 बाय 450, नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब फिर आपको इसके पेरीफेरी पे लिंक्स बांधना है, सो दीज आर द लिंक्स, इसको लिंक्स बोलते हैं हम लोग, इसको बांधो पेरीफेरी पे ऐसा, ठीक है। एंड देन यहां से आप इसको क्लोज भी कर सकते हो, इसको यहां से हमने क्लोज कर दिया, सो आपके पास टोटल 8 बार है जिसको मैंने येलो पेन से मार्क किया हूं। दीज आर माई 8 बार्स, सो 8 बार्स है अपने पास 16 mm डाया के, और जो मैंने व्हाइट पेन से ये लिंक्स मार्क किया हूं, दीज आर 2 टाई क्लोज लिंक्स, दीज आर 2 टाई क्लोज लिंक्स विच आर 6 mm डाया एट द रेट, उसका स्पेसिंग कितना है, 250 mm सेंटर टू सेंटर का स्पेसिंग है। सो दिस इज व्हाट रीइंफोर्समेंट डिटेल, इसको बोलते हैं रीइंफोर्समेंट डिटेल्स ऑफ द कॉलम। तो आपको इसका डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है एग्जाम में, एंड ये इसके सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपने देखा कि ये रेक्टेंगल कॉलम है, तो रेक्टेंगल कॉलम में आपको एक विड्थ दिया था, एक डायमेंशन रिस्ट्रिक्ट किया था उसने 350 mm पे। अगर मान लो रेक्टेंगल कॉलम बोलता है और आपको डायमेंशन नहीं दिया है, तो आप उसका विड्थ अज्यूम कर सकते हो 350 या फिर 400 mm। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस रेक्टेंगल कॉलम का डिजाइन किया है, ये रीइंफोर्समेंट डिटेल काफी काम किया आप लोग के लिए। सो इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसकी और वेरिएशन सॉल्व करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।